शिकायत लगा और दीदी चुपके से टांका झांकी करके सब समझ जाती। बस समझ लेना चाहिए कि शादी के लड्डू खाकर पछताने वाली नौबत आ गई है। सीरियल एक नई पहचान में करण साक्षी का मीठा मीठा केक खाकर पछता रहे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि कौन सुन रहा था, बस मुझे ऐसा लगा कि कोई साया है। एक बिल्ली थी एक्चुअली, अपनी वाइफ की क्या बोल सकते हैं, उसके उसकी बुराइयां कर रहा था, मतलब उसकी बुराइयां नहीं कर रहा था, बेसिकली मैं ये बता रहा था मुझे शादी वादी करनी नहीं थी, और किस तरह से थोड़ी सी अपनी वाइफ की बुराई कह सकते हैं, और सडनली फिर क्या होता है कि मुझे कुछ मेरे में कुछ दिखता है जैसे भूत टाइप। अच्छा जी, तो अब शादी के बाद बीवी भूत की तरह लगने लगी। मैं कहा तो साक्षी आई थी अपने हाथों से केक बनाकर ताकि वो रूठे करण का मूड ठीक कर सके, लेकिन करण लगे नौटंकी करने। केक भी खाना है और रूठने की एक्टिंग भी करनी है। मेरे पति मेरे से नाराज है, इतने अच्छे हैं, इतने प्यार करता है, इतना नाराज है, इतना रूठा हुआ है, जाके उनके लिए अपने हाथों से केक बनाओ। इसलिए साक्षी ने अपने हाथों से साक्षात ये केक बनाया है। केक तो बहुत अच्छा था, बट मैं तारीफ नहीं कर सकता, बिकॉज अगर तारीफ करूंगा तो ये चने के झाड़ पे चढ़ जाएगी। आपकी सारी नौटंकी साक्षी खूब समझ चुकी है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना कि ये सब करने से आपको इस बेमन की शादी से मुक्ति मिल जाएगी, तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मुझे सब सच पता चल जाता है। इनका गेम प्लान अपेरेंटली जो बहुत ही अच्छा गेम प्लान था, अब ये गेम प्लान में मैं भी शामिल हो चुकी हूँ। इनके गेम को कैसे पलटूंगी और कैसे इन्हीं के गेम में इन्हीं को हराऊंगी। तो जिसे कहते हैं ना बाट लगने वाली, वो सिचुएशन फर्स्ट टाइम इसकी लाइफ में हो रही है, तो साक्षी करने वाली है। तो यह तो वॉच क्या होने वाला है। करण बाबू, चुगली की पोटली बंद कीजिए और प्यार का चैप्टर शुरू कीजिए, तभी तो मिलेगी आपकी और साक्षी के रिश्ते को एक नई पहचान। आज तक ब्यूरो।